अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो कि एक्ने से रिलेटेड है। जिसके साथ ये मसला होता है कि फेस पे ज़्यादा एक्ने हो जाती है, आप कोई सा भी फेस वॉश यूज़ करते हैं, कोई सा भी आप जितने भी ट्रीटमेंट अपने फेस पे कर लें, लेकिन आपकी जो एक्ने है वो बिल्कुल भी कंट्रोल भी नहीं होती, ख़त्म भी नहीं होती। आप अपने फेस की एक्ने को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसे ज़्यादा होने से किस तरह से रोक सकते हैं, तो आपके साथ शेयर करूंगी। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ कि एक्ने क्यों होती है। देखिए, अगर आपके फेस पे ऑयल होगा तो आपको एक्ने होगा, एंड इसके अलावा आप कोई सी भी ऐसी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगा रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको एक्ने का सामना करना पड़ जाता है। एंड इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पानी बहुत कम पीते हैं तो भी आपको एक्ने का इश्यू हो जाता है, क्योंकि देखिए पानी जो है आपके बॉडी पे 70% वर्क करता है, एंड इसके अलावा जो खाना आप खाते हैं वो 30% वर्क करता है। यानी कि आपके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी स्किन के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए, एंड इसके अलावा आपके हेल्थ के लिए। मैंने ज़्यादातर लेडीज़ को देखा है कि वो पानी को बिल्कुल एक नॉर्मल सा समझ के इग्नोर कर देती है कि पानी से क्या होता है, हम कोई भी अच्छी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगा लेते हैं या कोई सी क्रीम लगाते हैं जिसकी वजह से हमें एक्ने का जो इशू हो रहा है कंट्रोल हो जाता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो आपकी एक्ने है वो कंट्रोल फिर नहीं होती। एंड इसके अलावा आप जितने भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाएं, एंड इसके अलावा मेडिकेटेड कोई भी चीज़ अपने ऊपर लगाएं या फिर आप मेडिकल अपना इलाज करवाएं, लेकिन आपकी जो एक्ने है बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती, आपके इस तरह से पैसे भी ज़ाया होते हैं। पानी को यूज़ करके आप अपनी 70% एक्ने को ख़त्म कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, देखिए जो पानी है आपका तो आप 8-12 गिलास लाजमी पिया करें वन डे में। अगर आपसे इतना पानी नहीं पिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ का यही मसला होता है कि वो पानी बिल्कुल नहीं पीती, पूरे दिन में या तो 2 गिलास पी लेती हैं या 3 गिलास, या तो फिर एक ही गिलास पीती हैं, वो कहती हैं नहीं हम तो पानी बिल्कुल सही सही पीते हैं। आप जब भी पानी पिए तो देख के पिया करें कितने गिलास आप वन डे में पी रहे हैं। देखें सबसे पहले आप 8 गिलास पिए, उसके बाद 10 गिलास, उसके बाद 12 गिलास, 9 गिलास लाजमी पिया करें, क्योंकि अगर आप 8 गिलास भी पीते हैं तो भी सेट रहता है, अगर 10 गिलास पीते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसके अलावा अगर 12 पिए तो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी बेस्ट रहता है। क्योंकि जब आप पानी पीते हैं आपकी जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चल रहा होता है तो उसके लिए ज़्यादा काफ़ी अच्छा होता है। इस तरह से आपके फेस पे जो पिंपल्स वगैरह का इशू होता है, जो जर्म्स आपकी बॉडी पे आ रहे होते हैं, तो पानी की वजह से वो फिर फिल्टर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है। स्टार्ट में आपको मसला काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप 2 गिलास पूरे दिन में पीते हैं तो आप कोशिश करें कि 3 गिलास में, उसके बाद 4 गिलास में आए, फिर 5 गिलास, इस तरह से आप अपने ग्लासेस बढ़ाते रहें। कुछ देर बाद आपको फिर आदत हो जाएगी पानी पीने की, फिर पानी पिए बगैर आप रह भी नहीं सकते। इसकी वजह से आपको देखें ज़्यादातर एडवांटेज ही होगा, क्योंकि अगर आप पानी पीते हैं आपकी बॉडी इस तरह से नीट एंड क्लीन रहती है। इस तरह से आपको फेशियल वगैरह की नीड भी नहीं रहती, क्योंकि अगर आप अपने फेस की केयर करेंगे, आपकी स्किन नेचुरली क्लियर है, नेचुरली ब्यूटीफुल है, तो आपको फिर ना फेशियल करने की नीड होगी, ना स्किन पॉलिश की होगी, ना कि क्लिनजिंग की होगी। ऑयली स्किन वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा मसला होता है कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं। देखें आप कोई सा भी बेस्ट फेस वॉश यूज़ करें जो ऑयली स्किन वाले हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे बेस्ट जो फेस वॉश है, देखें एक तो SB का फेस वॉश है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, एंड इसके अलावा जो डर्माकॉस का है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और अफोर्डेबल प्राइस में भी इजीली आपको मार्केट से मिल जाता है। एंड इसके अलावा आप सोप भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको फेस वॉश सूट ना करें तो आप सोप भी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन पर। एंड ऑयली स्किन वाले डे में 2-3 टाइम अपना फेस वॉश कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा भी फेस वॉश आपको नहीं करना और इतना कम भी नहीं करना कि आपके फेस पे जम्स रहे। एंड इसके अलावा आप जब भी फेस वॉश करें तो थोड़ी सी क्वांटिटी फेस वॉश की लें, अपने फेस पे लगाएं, हल्के हल्के इसी तरह स्लो स्लो आपको करना है मसाज, उसके बाद फिर आप फौरन वॉश कर लें। आपको ज़्यादा देर तक मसाज नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा लेडीज़ के साथ यही मसला होता है कि वो फेस वॉश हाथ में लेती हैं और इस तरह रबिंग करती जाती करती जाती, यहाँ तक कि आप फेस वॉश के साथ साथ स्क्रबिंग भी करती हैं। डेली स्क्रब करने से भी आपके स्किन में मसले मसाइल होते हैं, आपके जो पोर्स हैं वो ओपन रहते हैं। एंड इसके अलावा आप जब भी क्लिनजिंग करें तो कोशिश किया करें कि फेस वॉश अप्लाई करें, क्लिनजिंग बिल की अप्लाई करें, उसके बाद आप अगर डबल एक्शन वगैरह यूज़ करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ब्लैकेट्स वगैरह को रिमूव करें, नो स्पिन की हेल्प से करें, जिस तरह से आपको ईजिली रहता है तो आप ब्लैकेट्स को रिमूव करें, उसके बाद फिर आप मास्क अप्लाई करेंगे। मास्क अप्लाई करने के बाद फिर आप टूनर अप्लाई करेंगे, कोई से भी बेस्ट टूनर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मास्क अप्लाई करना ज़रूरी है अगर आप क्लिनजिंग करते हैं अपने फेस पे, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ के साथ ये मसला होता है कि वो क्लिनजिंग कर लेती हैं उसके बाद फिर ऐसी फेस छोड़ देती हैं, अगर मेहमान आ गया तो उसमें फिर लग जाती हैं या फिर अपना कोई सा भी वर्क करना शुरू हो जाती हैं, कुकिंग करना लग जाती हैं, इस तरह से फिर आपके जो फेस के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, क्योंकि क्लिनजिंग की वजह से आपके पोर्स जो ओपन रहते हैं उसकी वजह से फिर आपको उसके अंदर डर्ट जाती है, मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, उसमें डर्ट की वजह से आपको एक्ने का इशू हो जाता है, पिंपल्स आपके फेस पे बढ़ जाते हैं। एंड इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपके फेस पे एक्ने हो, चाहे वो 1 हो या 2 हो या 3 हो, जितनी भी एक्ने आपके
आपके फेस पे हो, तो इस तरह से टच मत किया करें कि एक एक्नी आ गई, फिर दूसरी एक्नी आ गई, तीसरी, इस तरह से अगर टच करते हैं अपने फेस पे तो आपकी जो एक्नी है वो मजीद और बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए अगर आपके यहाँ पे एक एक्नी है, आपने उसको टच करा, एक पिंपल को टच किया, उसके बाद यहाँ पे अगर किया जहाँ पे नहीं था पिंपल, वो वहाँ पे भी जम लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी एक्नी का इश्यू हो जाता है। सो ये जो छोटी छोटी सी नॉलेज होती है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसकी वजह से आप एक्नी को अपने फेस से कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी जो फेस पे एक्नी हो रही है वो स्टॉप हो जाती है। एंड इसके अलावा जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप कोई सी भी होम रेमेडी अपनी स्किन पे अप्लाई करें, ना कि आप कोई सी भी क्रीम प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगा लगा के अपनी स्किन और ख़राब कर लें। सो फेस से एक्नी को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट जो होम रेमेडी है वो है एग वाइट। देखें आप सिंगल भी एग वाइट ले सकते हैं, इसके अलावा उसमें हनी डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन ड्रॉप्स डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप एग वाइट ले लें, किसी भी बाउल में एग वाइट को निकाल लें, उसके बाद आप इसको नॉर्मल भी अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। एग वाइट को पूरे फेस पे आप अच्छी तरह से लगा लेंगे, सिर्फ यहाँ पे आपको नहीं लगाना जहाँ पे आपके डार्क सर्कल होते हैं, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, उसके बाद पूरे फेस पे अच्छी तरह लगा लेंगे, पूरे नेक पे भी लगा लेंगे। उसके बाद 15-20 मिनट्स बाद ये ड्राई हो जाता है प्रॉपर। जब ड्राई हो जाए तो आप फिर नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे, आपको फेस वॉश यूज़ नहीं करना, एंड इसके अलावा कोई सभी सोप नहीं यूज़ करना अपनी स्किन पर। सो जब आप नॉर्मल वॉश कर लेंगे तो इसी तरह से आप इसको डेली कंटिन्यू कर लें, क्योंकि अगर आप डेली इसको लगाते हैं इसकी वजह से सबसे अच्छा एडवांटेज एक तो ये होगा आपकी स्किन वाइट होगी, इसके अलावा अगर आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह हैं तो रिमूव होंगे, इसके अलावा अगर आपको एक्ने का इश्यू हो रहा है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। जो होम रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की है इसको आप डेली लगाएं और फिर आप देखेंगे आपको रिजल्ट एक तो अच्छा मिलेगा, एंड इसके अलावा इसको आप 1 मंथ ज़रूर ट्राई करें, आप देखेंगे आपको इसका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव मिलेगा, एंड इसके अलावा इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपकी स्किन पर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो आपके फेस पे एक्ने है वो जल्दी कंट्रोल हो जाए, जिसकी शादी होने वाली है, हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द अपनी स्किन से एक्ने को रिमूव करें, सो आप इस रूटीन के साथ साथ आप कोई सी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। जो अच्छी सी क्रीम है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपको किस तरह से अपनी स्किन की एक्ने को जल्द से जल्द रिमूव करना है, एंड इसके अलावा जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी उसी तरह से आपको इसको यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना। देखिए कोई सी भी क्रीम अगर ओवर यूज़ करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जो मैंने एग वाइट की होम रेमेडी बताई है, अगर आपकी स्किन काफ़ी ड्राई हो रही है तो आप फिर थोड़ा सा हनी भी उसमें ऐड कर लेंगे, खाली आप एग वाइट लें और हनी लें, दोनों को अच्छी तरह से मिक्सर अपने फेस पे लगा लें तो आप देखेंगे आपकी स्किन पे ग्लो भी आता है इसके यूज़ करने से। एंड जो ऑयली स्किन वाले होते हैं वो थोड़ा सा लेमन ड्रॉप डाल लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन और ज़्यादा जल्दी प्रॉपर तरीके से वाइट एंड ब्राइट हो जाती है। एंड अगर आपके फेस पे एक्ने वगैरह का इश्यू है तो आप फिर नॉर्मल ही एग वाइट को यूज़ करेंगे, इसमें कोई सी भी चीज़ आपको ऐड नहीं करनी, सिंपल एग वाइट लेंगे और अपने फेस पे लगा लेंगे। देखिए जो एग वाइट होता है, 1 एग लिया आपने, उसका जितना भी एग वाइट है वो ले लिया, अपने फेस पे पूरा लगाया, उसके बाद जो बच जाता है तो आप उसको फ्रिज में रख दें, तो जो बच जाता है उसको दूसरे दिन आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको नीचे नहीं रखना, फ्रीजर में रखना है। सो जो दूसरे दिन एग वाइट है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्राइट एंड वाइट हो जाती है, आपके फेस पे जो स्पॉट्स वगैरह रिमूव हो जाएंगे, आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह है तो अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा, रिंकल का इशू है तो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि देखें जो जाइयों वगैरह का निशान होता है फेस पे बहुत बुरे लगते हैं, तो आप देखेंगे फ्यू डेज में ही ये कवर होना शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता आपकी स्किन को। सो व्यूअर आपके साथ जो मैंने शेयर किया है, 1 पे आपको पानी भर भर के पीना है, यानी कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं आप पानी पिए, एंड 2 पे है आपको एग वाइट का यूज़ करना है, एंड जो 3 पे है वो किस कोई सा भी अच्छा फेस वॉश यूज़ कर लें या सोप यूज़ कर लें, जो आपकी स्किन पे सूटेबल हो, जो आपकी स्किन पे सूट करे वो यूज़ करें आप अपनी स्किन पर। एंड इसके अलावा आप इस रूटीन को फॉलो करते हुए बीच में कोई सी भी क्लींजिंग अच्छी किया करें अपने फेस पे, इसकी वजह से आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, फिर उसमें जो डर्ट है वो निकल जाता है, यानी कि आप डीपली क्लींजिंग भी कर सकते हैं। डीपली क्लींजिंग करने से आपकी स्किन पे जो डर्ट वगैरह है अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है और जो ब्लैक हेड्स है फिर वो जमा ही नहीं होता, जब आपके फेस पे ब्लैक हेड्स नहीं होंगे तो फिर दाने किस तरह से होंगे, क्योंकि ज़्यादातर यही मसला होता है जिसके फेस पे ब्लैक हेड्स होते हैं तो हर कोई समझ रहा होता है कि हमारे फेस पे पिंपल हो रहे हैं क्योंकि हाथ लगा लगा के देखते हैं बहुत सख्त होते हैं। देखिए जो सख्त होते हैं तो आपके वो ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड भी होते हैं, ब्लैक हेड्स भी होते हैं, लेकिन आपको चेक करना होता है कि वाइट हेड किस वजह से हो गए हैं। सो अगर आपके फेस पे ब्लैक हेड्स हैं एंड वाइट हेड है तो आप फिर क्लींजिंग करके रिमूव करें, और जो वाइट हेड होते हैं वो वाटर की वजह से होते हैं, अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो आपके फेस पे वाइट हेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो व्यूअर इस तरह से आप अपनी रूटीन को कंटिन्यू करके अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइट कर सकते हैं, आपकी स्किन नेचुरली ब्यूटीफुल लग सकती है। सो व्यूअर ये जो क्रीम आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ इसके यूज़ करने से आप अपनी एक्ने को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो
सो अगर आपके फेस पे पिंपल होने के साथ साथ ब्लैक हेड्स भी है तो आप सबसे पहले अपने फेस की क्लेंजिंग कर लें। अच्छी तरह से क्लेंजिंग करने के बाद जो ब्लैक हेड्स है उसको रिमूव कर लें। जब आपके ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाएंगे तो फिर आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे। एंड इस रेमेडी को आप 2 डेज़ बाद भी यूज़ करेंगे, यानी पहले क्लिनजिंग कर लें उसके 2 डेज़ बाद आप इसको यूज़ करेंगे। सो आपके साथ मैं 2 रेमेडीज शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हो और आपका जो फेस है वो भी नीट एंड क्लीन हो जाए। एंड लास्ट में आपके साथ मैं क्रीम शेयर करूँगी किस तरह से आप इजली क्रीम को यूज़ करके अपने फेस के स्पॉट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। सो होम रेमेडी के लिए सबसे पहले योगर्ट ले लें, दही लें, उसके बाद आप लेमन ड्रॉप्स लेंगे। दही में लेमन ड्रॉप्स को अच्छी तरह से मिक्स करके अपने फेस पे लगाएंगे। फेस पे जब भी कोई सी भी रेमेडी आप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले अपना फेस अच्छी तरह से वॉश कर लिया करें, उसके बाद अप्लाई किया करें ताकि आपको रिजल्ट बेस्ट मिले। सो 2 टेबल स्पून आपने योगर्ट लिया, उसके बाद आप 4 ड्रॉप्स लेमन के डालेंगे, यानी कि 1/4 भी डाल सकते हैं, और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लें। उसके बाद फिर अपने फेस पे अप्लाई कर लें एंड 20 मिनट्स के बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे। आपको बिल्कुल भी सोप वगैरह से वॉश नहीं करना, 20 मिनट बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश करें, उसके हाफ आवर बाद का गैप देंगे। सो जब हाफ आवर गुजर जाए तो उसके बाद आप फिर कोई सा भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं या सोप यूज़ कर सकते हैं और अपना फेस नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। इस मेथड से जब भी आप कोई सी भी रेमेडी यूज़ करेंगे अपनी स्किन पे तो आपको इसके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे एंड इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और जो रिज़ल्ट होगा वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इस होम रेमेडी को यूज़ करके आप अपनी स्किन से स्पॉट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। एक्ने का इशू है तो काफ़ी हद तक आपका एक्ने का इशू कंट्रोल हो जाता है। सो नंबर 2 पे जो रेमेडी है वो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। सो जो सेकंड रेमेडी है इसके लिए आप सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी ले, आपको ग्रीन वाली मुल्तानी मिट्टी लेनी है, रेड वाली नहीं लेनी। जो खाते हैं वो वाली ना ही लेंगे, आप जो ग्रीन वाली है वो यूज़ करेंगे। मुल्तानी मिट्टी 1 स्पून लेंगे, उसके बाद आप इसको भिगो लेंगे ताकि वो नरम हो जाए। जब नरम हो जाए तो उस पर फिर आप 1/2 टेबल स्पून बेसन यूज़ करेंगे, उसके बाद आप 1/4 हल्दी लेंगे यानी कि टर्मेरिक पाउडर यूज़ करेंगे एंड उसके बाद 1/2 स्पून आप दही का पानी लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर इस मिक्सचर को अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद ड्राई होने का वेट करेंगे। जब ये मिक्सचर आपकी स्किन पे ड्राई हो जाए तो फिर आप इसको वॉश कर लेंगे, नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। सो इस रेमेडी को यूज़ करके आप अपनी स्किन के एक्ने को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं एंड इसके अलावा अगर आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह है तो अच्छी तरह से रिमूव हो जाते हैं एंड इसके साथ साथ आपकी स्किन पे इसके यूज़ करने से काफ़ी अच्छे ग्लो आता है। आप इस दोनों रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए। सो जो होम रेमेडी आपकी स्किन पे सूट करे तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अब चलते हैं क्रीम की तरफ, किस तरह से हम इजीली क्रीम की हेल्प से अपनी स्किन की एक्ने को रिमूव कर सकते हैं तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो अगर आपके फेस पे स्मॉल पिंपल है तो आप सबसे पहले डिस्प्रिंग की टैबलेट लेंगे, उसके बाद इसको पानी में डिप कर लेंगे, यानी कि थोड़ी देर में ये डिसॉल्व हो जाती है और फिर वो जो वाटर है वो अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे जहाँ पर एक्नी है। सिर्फ आपको एक्ने पे ही अप्लाई करना है, इस तरह से आपके 3 डेज में ये एक्ने रिमूव हो जाते हैं। सो इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इजली वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। सो क्रीम के लिए सबसे पहले डर्मोवेट लेंगे, 1 स्पून डर्मोवेट लेंगे एंड इसके अलावा 1 स्पून बेटनोवेट की लेंगे। सो दोनों क्रीम को मिक्स करके आप अपनी एक्ने पर लगा लेंगे, जहाँ जहाँ आपके एक्ने अच्छी तरह से लगा लें, इस तरह से आप 1 वीक में अपनी एक्ने कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये जो क्रीम है आप इसको 15 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो आपको इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन पे इतनी ज़्यादा देर तक अप्लाई करो तो फिर मसला होता है। एंड अगर आप होम रेमेडी यूज़ करके अपनी स्किन के एक्ने को रिमूव करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, और अगर आप रेमेडी यूज़ करना नहीं चाहते तो आप क्रीम के ज़रिए अपनी एक्ने को रिमूव कर सकते हैं। सो किस तरह से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कर सकते हैं मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।